हेलो एवरीवन, और आज हम सीखेंगे कि किसी भी टू डिजिट या थ्री डिजिट का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्लेस पे आपको क्या लेना है, दहाई के अंक का स्क्वायर। दहाई का अंक यहाँ पे क्या है, 9। इसको बोलते हैं 10th प्लेस, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हम क्या लेंगे, सबसे पहले 9 का स्क्वायर विच इज 81। देन सेकेंड प्लेस फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, और थर्ड प्लेस पे हम क्या लेंगे, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर। लास्ट वाले डिजिट क्या है हमारे पास, 2, और 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, राइट। अब जो हमने सेकेंड प्लेस छोड़ा था उस पे हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2 इंटू 2। वाई, बिकॉज फर्स्ट डिजिट, यानी कि यहाँ से अगर हम 92 से देखें तो 9 इंटू 2 इंटू 2, इन तीनों की मल्टीप्लाई हमने लेनी है सेकंड प्लेस पे। तो ये क्या आएगा, 9 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 36। अब इसका स्क्वायर आउट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इनको जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे करेंगे। 4 फर्स्ट प्लेस पे आएगा, 4, देन सेकंड इज 6, एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, कैरी आउट हो जाएगा किसके पास, 1 के पास। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, एंड लास्ट डिजिट इज 8। तो ये है आपका स्क्वायर ऑफ 92। जब आप इस क्वेश्चन की 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आपके सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो सेकंड हम करते हैं 75 का स्क्वायर। तो उसी तरह हमें तीन प्लेसेस लेनी है। फर्स्ट पे आप क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर, सेकंड पे 5 का स्क्वायर, और बीच में आपका आएगा 7 × 5 × 2। यहाँ पे हमेशा यही चीज़ लेनी है, 7 × 5 × 2, जो भी आपके डिजिट हैं उन सब की मल्टीप्लाई। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 49, और 7 × 5 × 2 विच इज़ 70, एंड 5 का स्क्वायर के हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। अब सिंपली इनको वैसे ही ऐड कर देना, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, 5, और 2 कैरी आउट हो जाएगा 0 के पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 7 कैरी आउट हो जाएगा 9 के पास। तो 7 अगर 9 के, तो ये आ जाएगा 16, और बचा 1, तो 4 + 5 = 5, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, 3 डिजिट का भी फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर। तो 3 डिजिट को हम 2 में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लेंगे हम 11 को और सेकंड लेंगे हम 2 को। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, सेकंड प्लेस पे 11 इंटू 2 इंटू 2, और थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर विच इज़ 121, 11 इंटू 4 विच इज़ 44, एंड 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। तो अब इनको दोबारा से उसी तरह ऐड करेंगे, 4 सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, 4, थर्ड प्लेस पे 4 ये वाला कैरी आउट हो जाएगा 1 के पास, तो ये बन जाएगा 5, और ये 12 एज इट इज़। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इसमें स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम 59 का स्क्वायर करेंगे कैसे, 5 का स्क्वायर 25, सिमिलरली 5 × 9 × 2 आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 18 × 5 = 90, ये आ जाएगा यहाँ पे 25 = 90, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर विच इज़ 81। अब इसको सॉल्व करो, फर्स्ट प्लेस पे 1, सेकंड 8 कैरी आउट हो जाएगा 0 पे, तो ये आ जाएगा 8, और 9 कैरी आउट हो जाएगा 5 पे, तो ये क्या आ जाएगा, 14 का 4, और ये 1 कैरी आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3481। सिमिलरली आपको 77 और 83 का फाइंड आउट करना है, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने कितना सीखा है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड प्लेस पे सबकी मल्टीप्लाई, थर्ड प्लेस पे थर्ड सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर। इस तरह आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियोज़।